अब वो हेमंता विश्व शर्मा आजकल जहर उगलने का काम कर नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे अब भाजपा में गए हैं, तो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। ये संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। ये पाकिस्तान मतलब वो उसी लाइन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाए तो भारत जोड़ना है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लो, तो फिर भेजने क्या मतलब है और फिर उसे मिलाने क्या मतलब है। यदि मिलाएंगे, आज मान लो 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिलाने के बाद तो 30-40-50 करोड़ हो जाएगा, तो उतने में तो फिर इनकी और हालत खराब हो जाएगी। जब यही नफरत फैला रहे हैं तब तो फिर स्थिति भयावह हो जाएगी इनके दृष्टिकोण से। कोई भी जाति का हो, धर्म मानने वाला हो, कोई भाषा भाषी हो, सब में एका रहे। और यह देश यही एकमात्र देश है जिसमें कितने धर्म मानने वाले लोग हैं, कितने दर्शन यहाँ हैं, कितने भाषा भाषी लोग हैं। और ये हिंदुस्तान की ताकत है अनेकता में एकता, और सब लोग जुड़ते हैं तो देश आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और जब नफरत फैलती है और समाज और धर्मों के बीच में जब विद्वेष फैलाया जाता है तो फिर हमारी आर्थिक स्थिति नीचे चली जाती है।